मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के बाढ़ की तैयारियों को लेकर आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी से जुड़े सभी बंधों को ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज्यादा समय नहीं है और जिन गाँवों में बाढ़ आता है वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने के लिए सभी जिले में अपने अपने जिलों का टेंडर कर लें। उन्होंने कहा, गोरखपुर और संत कबीर नगर के बीच का जो एरिया है वह बाढ़ प्रभावित रहता है, जिस पर ध्यान देने के लिए आवश्यकता है। वहां पर नाव व राहत सामग्री की पहले से ही उचित व्यवस्था की जाए। इसके अलावा सभी जिले बाढ़ चौकी को एक्टिव कर लें, नाव की पर्याप्त व्यवस्था कर लें, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट पर रखें, जिससे अगर अचानक कहीं बारिश होने से बाढ़ आ जाती है तो वहां पर राहत पहुंचाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने मंडल के जो भी संवेदनशील व अति संवेदनशील बंधे हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करवा लिया जाए, क्योंकि बंधों के मजबूत ना रहने से गांव में बाढ़ आने की समस्या ज्यादा रहती है। इसलिए बंधों को ठीक करवाते समय फोटो और वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि यह पता चल सके कि कौन से बंधे का कितना काम पूरा हो चुका है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित मंडल के अधिकारी मौजूद रहे। जो राशन से संबंधित, तो राजेश क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सर बाकी हमारे क्या है, हाँ तो उसको करा के, क्योंकि बजे क्या है, वैसे भी मेरा भी बाई चांस की बात है सर, 4 साल बारिश देख चुका हूँ यहाँ पे, तो अलग अलग तरह के अनुभव हैं। वैसे गोरखपुर में खासकर जो संत कबीर नगर और जो हमारी राप्ती नदी के बीच का जो एरिया है वो गोरखपुर पूरा वो रहता है, तो उस जगह भी इस एरिया में आपको पेड़ में भी खूब निर्माण करना पड़ेगा। कुछ सहजनवा क्षेत्र से लेके जो है ये कैंपियागंज तक का जो रास्ता वाला जो है, तो थोड़ा सा उस में ही बाढ़ वाले में हम लोग भी कई बार गए हैं, तो मेन चीज है वहाँ पे भी रहता है राशन वासन की भी वितरण वाला भी हम लोगों ने किया, नाव वगैरह भी काफी कुछ गाँव तो नाव से ही चलते रहे पूरे एक एक महीने तक जो है कुछ जगह पर, तो थोड़ा सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाला एरिया है तो वहाँ उस चीज की तैयारी वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी कुशीनगर में टेंडर वाली प्रक्रिया फाइनल हो गया, खुल गया सर हमारा। अच्छा, देवरिया में फाइनल हो गया। अच्छा, मरम्मत हो गई होगी? हाँ है, तो पहले तो हमारे सिंचाई विभाग वालों की तरफ से इसकी लिस्ट होगी इन लोगों के पास, जो भी जितने भी संवेदनशील अति संवेदनशील जितने भी बंदे हैं, मैं समझता हूँ कि सब जगह की फोटो वीडियो जो भी ड्रोन के माध्यम से कई तरह की चीज़ें जो आजकल चल रही हैं तो उसकी वीडियो वगैरह सब अवेलेबल होना चाहिए ऐप, और आने अगर कहीं पे भी है, अभी भी कुछ जगह पर बंदे का टूटने मतलब ऐसा कोई बिल्कुल कमजोर वाली स्थिति कोई ऐसा कोई नहीं, सभी ठीक हो गए इस समय तो। अच्छा, बाकी कुशीनगर का कुछ था जो पिछले साल वाला कुछ रहा था, जो गंडक के बड़ी गंडक वाला बंदों की स्थिति भी ठीक हो गई, करेक्ट करा दिए गए सब हो गए, बड़ी गंडक के सब ठीक है, महादेवा में प्रॉब्लम थी वो भी इस बार टेकअप कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़्यादा के रिजर्व स्टॉक में जो चीज़ें भी रहती है, और मतलब जिसमें वही है अपना जियो वैक्स वगैरह कर ले तो थोड़ा सा पता रहता है कि इमरजेंसी में कि आपके पास भी भरोसा रहता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असली चीज़ रहती है कहीं पे कोई नाव वगैरह की भी आतरिया में है, आप अभी जो है बरज वाले क्षेत्र में नाव की जो पड़ जाती है, हाँ बरज वाली जगह पे पर वगैरह जो भी नाव वगैरह की है वो तैयार हो रेडी हो, 264 नाव तैयार, क्योंकि अब मानसून आ ही गया है तो कभी भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपदा में ही आ रहा है, तो कितने का उसका कोई टेंडर टाइप का हुआ या नहीं? नहीं सर, हमारे तो सर देवरिया जिले के रहने वाले सारे जी हैं जो सर एसडीआरएफ के चेयर में हैं। तो मैंने सारे बिंदुओं पे डिस्कस किया है सर, और इसमें हमारे लगभग पूरे मंडल में 1,62,00,000 की जनसंख्या में लगभग 23 लाख की पॉपुलेशन वाला एरिया ऐसा रहता है जो बाढ़ प्रभावित रहता है, खासकर हमारे महाराजगंज में नौतनवा और बताओ तो उसका क्या स्थिति है? तो हमारे लेकिन फाइनली सर अभी वहाँ पे जो गोरखपुर का
गोरखपुर के जो क्षेत्र में जहाँ जहाँ पे कटान था, स्पेशली जो आपका वहीं पे आप गए थे सर बनाना वाला, हाँ। सब प्रोजेक्ट हो गया, मसला कोई दिक्कत थी सर, उससे कनेक्टिविटी कुदरिया मानी ना कभी लेट स्वीकृत हुआ है, सोनौली रोड से कनेक्टिविटी है वो भी सर कोई दिक्कत नहीं है, काम तेजी में है, लेट स्वीकृति मिली थी इसलिए सर 50% के आसपास उसकी प्रगति हो गई है। इसके अतिरिक्त सर कौड़ीराम मलौली मलौली गजपुर था, वो भी सर बहुत सेंसिटिव था, बट किसी कारण से सर परियोजना उस पर थी नहीं हो पाई है, बट हम लोग सर उसको पूरा पहले से सर पिकअप किए हुए हैं, नया फंड से ठीक कर लिए हैं, और चौरी चौरा में सर जो दिक्कत हुई थी वहाँ भी सर हमारी सारी परियोजनाएँ हो गई हैं, काम भी लगभग सुरक्षित लेवल से ऊपर आ गई, ऐसा नहीं। आप ये बताइए आपका कितना ये और जे उस रास्ते में चले हुए हैं जो नीचे से सीपेज का चांसेस रहता है, जिस करोगे ठीक है वो पूरा टूट के निकल के ले जाते हैं, कितना आपका ये जे इसने इसके ऊपर कार्य किया है और वो गवर्नमेंट किया है और वो गारंटी से लिखित में दे सकते हैं कि मैं चाह रहा था सभी ADMs नोट कर लिए, आप कंसर्न HCN से और जे से ठीक है यही से लिखित में ले लीजिए, हमने इस पूरे बंदे पे हमने भ्रमण किया है और नीचे लेवल तक मैंने चेक किया हूँ जी साहब, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये सारे हमने आइडेंटिफाई कर सारी वहाँ और रेकॉर्ड सारे आइडेंटिफाई हुए, किसी मुद्दे से फोटोग्राफ उसका जी साहब मैं बता दूँ, पिछले बार भी मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने कहा था कि आप एक बार प्लानिंग आप कर लीजिए ठीक है, मैंने कहा था NRSC से बात कर लीजिए, उसका एक पूरा प्लानिंग तरीके से चलिए, अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन, उनको भी एक बार आप चेक कर लीजिए, मैं अभी भी बता रहा हूँ कुशीनगर से कौन आए हुए आप देख लो भाई DM साहब, मैच कुशीनगर पर इश्यू भी यही रहता है और गोरखपुर में भी यही इश्यू रहता है, रोहिणी ठीक है वहाँ पे इश्यू यही था कि सीपेज नीचे से आना शुरू हुआ, तो पहला हमने एक ब्लॉक किया है तो फिर दूसरे जगह से सीपेज शुरू हुई ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा है जो इंजीनियर्स है वो जनरली ऊपर की पोर्शन देख करके आ जाते हैं, नीचे लेवल दोनों साइड की, नीचे लेवल पे क्या खुदाई हुआ है, फॉर एग्जाम्पल माइनिंग को लेकर के भी यही इश्यू उठा था कि बंदे के बगल में ही माइनिंग हो रही है सर, उसके वजह से नेचुरली सीपेज के लिए एक मौका मिल जाता है, दिन का टाइम है, जो बंदे का दोनों साइड की नीचे लेवल का एरिया को एक बार पूरा भ्रमण करवा लीजिए, एंड दैट टू देयर आर टिपिकल प्लेसेस आपको पता है जहां पे बेंड होता है ठीक है, देयर आर सर्टन एरियाज विच आर वेरी ससेप्टेबल टू डैमेज,